जिन किसानों में अभी थोड़ी सी भी आशंका बची है, उनसे मैं फिर से कहूंगा कि आप एक बार फिर सोचिए। तो कहा जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, किसानों को भ्रमित नहीं किया जा रहा, भाजपाइयों को भ्रमित किया जा रहा है। सारे भाजपाइयों को अफीम खिला दी है और अफीम खिला के कह दिया ये रट के बस यही बोलो। दोनों तरफ से कहा जा रहा है साडा हक एथे रख। किसान संगठनों का पक्ष भी सुना जाएगा, सरकार भी नहीं झुकने के संकेत दे रही। सरकार द्वारा लाए कृषि कानूनों के खिलाफ देश में किसान धरने पर बैठे हैं और दूसरी तरफ सरकार रैली कर इन कानूनों के फायदे गिनाने में लगी हुई है। किसानों के आंदोलन में खाने पीने और रहने की व्यवस्था है, इससे साफ है कि किसान अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे, वे पूरे इंतजाम के साथ आए हैं। इस बीच अभी धीरे धीरे ठंड भी बढ़नी शुरू हो गई है, ऐसे में सबकी नजर सरकार पर टिकी है कि वे क्या फैसला लेंगे। हाल ही में इस आंदोलन में कई किसानों की मौत की खबर भी आ चुकी है और हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में सबके सामने इन कृषि बिलों को भी फाड़ दिया और किसानों के लिए इन्हें सही नहीं बताया। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर तंज भी कसे। केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों को कानून समझ नहीं, कानूनों का फायदा समझ नहीं आता। तो केंद्र सरकार ने अपने सारे बड़े दिग्गज नेता, जितने बड़े बड़े इनके नेता हैं, उनको उतारा है कि समझाओ, और वो समझा रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो टीवी में आ रहा था शायद बरेली में 20,000 किसानों की रैली उन्होंने की। उनको कहा गया भाई इन तीनों बिलों के फायदे समझाओ, तो फायदे समझाने लगे वो। मैं सुन रहा था उनका भाषण, तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी ये फायदा है क्या? वो तो थी अभी तक, अब जाएगी नहीं मतलब ये क्या फायदा है? तुम्हारी मंडी बंद नहीं होगी ये फायदा है क्या? इनसे किसी से पूछो भाजपा वाले से फायदा क्या है, तो सारे जनों को एक लाइन रटा रखी है, किसान अब अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। कहते हैं ना ये, आज धान का MSP 1868 है, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये 900,000 रुपए में बिक रहा है। मेरे को बता दो कि पूरे देश में मेरा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान कहां ये फसल बेच के आए कि इसको MSP से ज्यादा दाम मिल जाए। हवा में बात करने से क्या फायदा है, कहीं भी बेच लो, कहीं भी बेच लो। अरे कहां बेच ले बताओ तो सही। तो कहा जा रहा है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, किसानों को भ्रमित नहीं किया जा रहा, भाजपाइयों को भ्रमित किया जा रहा है। सारे भाजपाइयों को अफीम खिला दी है और अफीम खिला के कह दिया ये रट के बस यही बोलो। मैंने आज पूरा भाषण सुना योगी आदित्यनाथ जी का, उनको भी नहीं पता इसका क्या फायदा। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने केजरीवाल के इस कदम के बाद सियासत और गरमानी शुरू हो चुकी है। इससे पहले पंजाब की सरकार ने केंद्र के इन कानूनों के बदले अपने तीन नए कानून बनाए, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ का भी उन्हें पूरा समर्थन मिला। गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में इन बिलों का विरोध हो रहा है। इसके अलावा ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने को कहा, जिस पर अधिक जानकारी विनोद दुआ ने अपने शो में दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो भी फैसला नहीं देगी, वो फैसिलिटेट करेगी, वो एक ऐसा रोल अदा करेगी कि जिसमें केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो सके। इसके लिए उसने ये सजेशन दी है, सलाह दी है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसमें एक्सपर्ट्स भी हों और यूनियंस के जो हैं, खासकर भारतीय किसान यूनियन, उनके नेता भी हों। एक्सपर्ट्स में उन्होंने पी साईनाथ का नाम लिया है, जो अपने आप में बेहतरीन सलाह है, सजेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो तीनों कानून हैं इनको फिलहाल होल्ड पे रख दिया जाए, इनको रोक दिया जाए, फिर ये कमेटी बने, कमेटी अपनी सलाह दे जो उसने देनी है, रिकमेंडेशंस। इसमें हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि अगली हियरिंग जब होगी, अगर सुप्रीम कोर्ट ये भी कर दे तय करते कि ये जो कमेटी बनेगी वो टाइम बाउंड होगी, वरना तो देखिए 21वां दिन तो हो गया, सर्दियों का मौसम है, 20 से ज़्यादा किसान मर चुके हैं सर्दी में, कितने दिन चलेगा ऐसा, और ये तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। इसके अलावा सरकार किसानों को मंडी ना खत्म होने का आश्वासन देते हुए नजर आ रही है,
प्रधानमंत्री मोदी भी किसानों को भरोसा देते नजर आए थे। साथियों, मुझे खुशी है कि देश भर में किसानों ने नए कृषि सुधारों को न सिर्फ गले लगाया है बल्कि भ्रम फैलाने वालों को भी सिरे से नकार रहे हैं। जिन किसानों में अभी थोड़ी सी भी आशंका बची है उनसे मैं फिर से कहूंगा कि आप एक बार फिर सोचिए, जो हुआ ही नहीं है, जो होने वाला ही नहीं है, उसका भ्रम और डर फैलाने वाली जमात से आप सतर्क रहिए। ऐसे लोगों को मेरे किसान भाइयों बहनों पहचानिए। इन लोगों ने हमेशा किसानों से धोखा दिया है, उनको धोखा दिया है, उनका इस्तेमाल किया है और आज भी यही कर रहे हैं। प्राप्त रवीश की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें बीजेपी शासित प्रदेशों में मंडी के हालात पर चर्चा कर रहे हैं। सरकार को बिल्कुल अपनी योजनाओं का प्रचार करना चाहिए और पक्ष रखना चाहिए, लेकिन सरकार को यह भी बताना चाहिए जो अनुराग द्वारी अपनी रिपोर्ट में बताना चाहते हैं। सरकार कहती है मंडियां बंद नहीं होंगी, फिर क्यों कई किसानों को लगता है कि मंडियां पहले की तरह कारोबार नहीं कर रही हैं? मध्य प्रदेश के अलग अलग संभागों की ये मंडियां, कुछ मंडियों में कामकाज धीमा हो गया है तो कहीं ठप। मंडी कर्मचारियों की माने तो ये सब मॉडल मंडी एक्ट की वजह से हुआ, जो राज्य में 1 मई से लागू हो गई, जिसमें निजी क्षेत्रों में मंडियों की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया। गोदाम, साइलो, कोल्ड स्टोरेज को भी प्राइवेट मंडी घोषित करने का प्रावधान किया गया। मंडी के बाहर सीधे खरीद का प्रावधान किया गया। मंडी शुल्क को 1.70 रुपए से घटाकर 50 पैसे प्रति क्विंटल कर दिया गया। मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट ई अनुज्ञा के आंकड़ों की माने तो अक्टूबर के महीने में राज्य की 269 मंडियों में से लगभग 47 मंडियों में कारोबार पूरी तरह से ठप रहा। जहां एक तरफ किसानों और विपक्ष का विरोध जारी है, वहीं दूसरी ओर सरकार रैली कर किसानों के मनाने में जुटी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तो एक चिट्ठी भी लिखी, जिसके जरिए वे किसानों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ी बात मीडिया की भी कर लेते हैं कि मीडिया किस तरफ है, क्या किसानों की तरफ है या फिर सरकार की तरफ। हम मीडिया की डिबेट्स ही देख लेते हैं कि वे किन मुद्दों में व्यस्त है। किसान आंदोलन का सुप्रीम समाधान, संवाद और चौपाल के लिए भ्रमजाल तोड़ने की सबसे बड़ी कोशिश शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ से कहा जा रहा है साडा हक एथे रख। किसान संगठनों का पक्ष भी सुना जाएगा, सरकार भी नहीं झुकने के संकेत दे रही। क्या देश भर के किसान नहीं है? जब मन करे राजधानी को घेर लेने की धमकी देते हैं। अब लड़ाई अहंकार की है। क्या ओवैसी से डर गई दीदी? ममता बनर्जी को अपना वोट बैंक खोने का डर दिखाई दे रहा है। मुसलमान तो ममता बनर्जी की जागीर है ना शायद, तो क्या वाकई ओवैसी बंगाल में ममता की पतंग काटने वाले? कि ओवैसी शुभेंदु की बिसात, क्या ममता दे पाएंगी मात? आतंकवाद का सप्लायर पाकिस्तान आज भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया, कहीं एक बार फिर भारत को एक्शन में न आना पड़े। ये हमने इस वीडियो के जरिए काफी नहीं तो पर थोड़ी सी तो इन बिल पर किसान और सरकार के बीच क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करने की कोशिश की है। आगे भी हम आप तक ऐसे ही न्यूज रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.